हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं दोपहर का खाना खा रही हूँ। आज सिंपल चावल, नमकीन वाले आलू और एक दो पीस पनीर, प्याज, बस यही डाल के बनाए हैं, और साथ में दही। और अभी मैं लेके आई हूँ कपड़े जो धोए हुए थे छत पे, तो सारे सूख गए थे, दूसरे कमरे में रख दिए थे मैंने, तो अभी मैं इन्हें फोल्ड करने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, पीछे देखिए कपड़ों का कितना सारा ढेर जो मैंने सुबह सुबह धोए थे आज, और जल्दी से 11-12 बजे नीचे लेके आ गई थी क्योंकि सूख गए थे, बहुत जल्दी सूख गए थे। तो पहले मैं इनको फोल्ड कर लेती हूँ, अभी फोल्ड करके और अलमारी में रख दूंगी, और जो प्रेस करने वाले हैं उन्हें अंदर हैंग कर दूंगी, उन्हें कल करूंगी प्रेस। आज तो मुझे टाइम नहीं लगेगा, तो प्रेस करने वाले कल करूंगी। तो कर लेती हूँ कपड़े फोल्ड, आपसे बाद में मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे मैं अपना कुर्ता देख रही हूँ। तो ये मेरा बहुत ही फेवरेट कुर्ता था, गर्मियों में मैंने बहुत ज़्यादा पहना, इसमें बिल्कुल ज़्यादा गर्मी नहीं लगती थी, और विदाउट स्लीव था तो बहुत अच्छा रहा गर्मी में। लेकिन ये देखिए, ये धोने से पहले जब मैंने देखा इसे, तो पहले ही ये पता नहीं अचानक से क्या हुआ, इसको तीन जगह से ऐसे हो गया। तो चूहा तो हमारे इधर है नहीं है ऊपर घर में, तो पता नहीं क्या हुआ, मुझे समझ नहीं आ रही ये कैसे हो गया। देखिए तीन जगह से ऐसे ऐसे हो गया जे। तो बाकी कपड़े एकदम सख्त है, कोई ये भी नहीं है कि बहुत पुराना है, पड़ गया कपड़ा, वो भी नहीं है। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मेरा पूरा कुर्ता ये ख़राब हो गया। सॉरी से पूछा मैंने, सोचा आपने तो नहीं मुँह से किया, लेकिन वो कह रहा नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं इसको देखा, और अब तो बेकार हो गया वो। तो जो प्रेस करने वाले हैं उन्हें तो मैं अभी उधर हैंग करके रख दूंगी, जब टाइम मिलेगा तभी फोल्ड करूंगी, अभी तो टाइम नहीं है मेरे पास। तो ये हम दोनों के इधर, और सौरिश के रख देने हैं सौरिश की अलमारी के अंदर। तो उसके बाद अभी टाइम शाम की चाय का, तो सौरिश के पापा और जो वर्कर है वो सारे नीचे हैं, उनको चाय देने जा रही हूँ मैं। और ये अभी सॉक्स पहन रहे हैं क्योंकि ये दोपहर को आ गए थे घर, और फिर सॉक्स शूज उतार देते हैं, तो इधर ही बैठे हुए थे, अभी फिर से जा रहे हैं तो चाय पी के जाएंगे। तो ये देखिए, तो ये देखिए नीचे कैसा काम चल रहा है। ये जो दीवार है तो इस पे भी जो बची हुई टाइल और स्लेट मिक्स करके जो यहाँ पे लगा दी, तो बहुत ही अच्छी लग रही है जी, बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि बची बुची लगाई हुई है जी। और साथ में यूज़ होगी टाइल, क्योंकि इधर ऐसे वेस्ट होनी थी, इधर उधर पड़ी रहती तो या तो फेंकना पड़ता, कहाँ रखनी थी ये। और सारा लोन भी ख़राब हो रहा था इसकी वजह से, उधर ही रखी हुई थी साइड में। और भैया ने इतना अच्छा किया, इतनी केयरफुली से, कि हमारा एक भी ये पौधा हमें काटना ना पड़े, तो बहुत ही ध्यान से बेचारों ने जा जा के अंदर तो इसको लगा दिया, तो पेड़ भी बच गए। तो इसके लिए बहुत अच्छा लगा मुझे कि पेड़ बच गए हैं, और ये सारी लगा दी है इन्होंने अभी। ऊपर मेरी चाय ठंडी हो रही है, और सौरिश के लिए तुलसी अदरक का वो मुझे काढ़ा बना के देना, उसका थोड़ा थोड़ा हल्का सा कोल्ड है अभी, वैसे ठीक हो गया, इतना ज़्यादा नहीं हुआ। और अभी मैं पी लेती हूँ अपनी चाय।
बाकी चाय के बर्तन तो मैंने साफ कर दिए, और अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे राजमा, क्योंकि मुझे आज 6 बजे से पहले ही सब्जी बना के जाना है, तो घूमने जाना मुझे शाम को, तो जो हमने डेली आदत बनाई हुई अभी, तो मैं वही फटाफट से तड़का लगा रही हूँ। सब्जी को तड़का लगा दिए, और मैंने सोचा जो ये थोड़े बहुत कुकर बॉईल किए राजमा और बाकी बर्तन जो जिसमें प्याज मसाला बनता और 1-2 कप वगैरह भी थे और गिलास, वो मैंने सारी किचन अभी साफ कर दी है बर्तन साफ करके। सब्जी बन गई है और आज मैं फ्री हूँ, अभी रात को जितनी देर मर्जी सैर कर सकती हूँ, और रोटी बनानी है वो आके बनानी है क्योंकि अभी बहुत लेट है, तो इतनी जल्दी नहीं रोटी बना के रखनी। और फ्रेंड्स अभी मैं चलती हूँ नीचे, अभी तक दीदी आ जाए नहीं है तो अभी चलती हूँ, सोरिश के पापा भी नीचे हैं, अभी भैया काम भी कर रहे हैं तो चलती हूँ अभी, ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो बाहर आंगन में हवा चल रही है, तो चलती हूँ मैं नीचे और आपको भी दिखाती हूँ नीचे क्या चल रहा है। अभी तो टाइम हो गया, 6 बज गए अभी, तो चलिए नीचे। देखिए कितनी प्यारी बनाई है ये दीवार बिना हमारे ये पौधे तोड़े हुए, तो बहुत ही अच्छी लग रही थी ये देखने से। और अभी हम जा रहे हैं सैर करने, और देखिए ये एक बर्ड पड़ा था तो मैंने सोचा शायद जिंदा हो, थोड़ा सा मैंने हिलाया लेकिन वे मर गया था ये, तो ये बच्चे भी देख रहे थे, और बच्चे आपको पता है जल्दी ऐसे हो जाते हैं, तो बड़ा मन दुखी हो रहा था बच्चे का भी। तो ये अभी रात का खाना, और इन दोनों ने खा लिया रोटी, और मुझे नहीं खानी थी क्योंकि मुझे चावल ही खाने थे, चावल तो मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है, दोपहर को भी चावल खाए थे आज मैंने और अभी भी आज बना लिए, दोपहर को तो डेली बनते हैं, लेकिन मैंने बोला कि मुझे नहीं चपाती खानी तो मैंने अपने लिए चावल बनाए, और इन दोनों ने कब का खाना खा लिया और मैं अभी खाना खा रही हूँ। और अभी मैंने सोरिश को थोड़ी देर बिठाया है कि आप थोड़ा सा देख लो, कल एग्ज़ाम है। तो खाना मेरा भी हो गया है, सोरिश और सोरिश के पापा ने पहले खा लिया था, और मेरा मन नहीं कर रहा था चपाती खाने का, मैंने फिर से चावल बनाए और मैंने चावल और राजमा खाए हैं, और सोरिश को बिठाया अभी थोड़ी देर के लिए पढ़ने के लिए, और मैंने बर्तन साफ़ नहीं किए क्योंकि अगर मैं बर्तन साफ़ करती रही तो सोरिश को फिर नींद आ जाएगी, तो थोड़ी देर मैं इसके पास ही बैठी हूँ, तो सुनना मुझे इससे, EVS का एग्ज़ाम है कल इसका। तो फ्रेंड्स वीडियो का एंड यहीं पे करती हूँ, और अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय फ्रेंड्स।